मैट्रिक्स, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका प्रोडक्ट निकाला है। पहला है ए बी माइनस बी ए, ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसी तरह ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इस रो से इस कॉलम को। तो कैसे, पहला ए से ए को मल्टीप्लाई होगा एंड इस बी से ए बी को मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू ए ए स्क्वायर, बीच में प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। फिर ये रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ये पहला से ये पहला, दूसरा से नीचे वाला, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, बी इंटू ए बी। इस बार ये रो से एक कॉलम, दोनों कॉलम को आएगा, माइनस बी ए माइनस बी ए, ए एंड बी, ए रो से इस कॉलम को, ये पहला उधर जाएगा ये नीचे आएगा, सो ए बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, बीच में प्लस लगाना है। तो माइनस ए बी जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, इस प्रकार का एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है, बोला जाता है। नेक्स्ट, इसमें रो से कॉलम को मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने रो है, थ्री रोस एक ही कॉलम है, यहाँ पे एक रो थ्री कॉलम, ये दोनों नंबर सेम होने से मल्टीप्लाई हुआ। सो ये रो से ये कॉलम, कॉलम में एक ही है, सो वन इंटू टू, वन इंटू टू टू, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, वन इंटू थ्री सिक्स, पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे मिलेगा फोर, दूसरा रो पहला कॉलम, टू टू जा फोर, दूसरा रो दूसरा कॉलम, टू थ्री जा सिक्स, वन थ्री जा वन, टू फोर जा एट, थ्री टू जा सिक्स, तीसरा रो पहला कॉलम, टू थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व। सो इसका ऑर्डर ये दो नंबर से आएगा। सो प्रोडक्ट करने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिला है उसका ऑर्डर 3x3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है 2x2 मैट्रिक्स, ये है 2x3 मैट्रिक्स। सो ये दोनों नंबर सेम होने से इसका रो एंड उसका कॉलम का नंबर, इसका कॉलम और उसका रो का नंबर सेम होने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे इधर आना है, इस रो और ये कॉलम, मतलब कैसे मल्टीप्लाई होगा, वन टू से किसको मल्टीप्लाई, वन माइनस टू, ये रो से मल्टीप्लाई करना है, इससे वन को इससे टू को, और बीच में ऐड करना है, वन वन वन, टू टू जा माइनस टू, टू जा माइनस फोर, सो उसके बाद माइनस थ्री मिल जाएगा। इस रो से इसको, वन वन जा वन प्लस माइनस टू टू, माइनस टू टू जा माइनस फोर। उसी प्रकार पहला रो से दूसरा कॉलम को, वन टू जा टू, माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, वन थ्री जा थ्री, टू इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस टू। इसका ऑर्डर होगा 2x3,
दो रो होंगे, तीन कॉलम होंगे, तीन कॉलम तो बन रहे हैं। नेक्स्ट इससे 2 1 2, 3 2 6, 2 2 4, 3 3 9, 2 3 6, 3 1 3। सो जो भी बनता है -3 -4 1 8 13 9। तो ये है रिक्वायर्ड आंसर। तो ये दो मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स आंसर होना है, ये आंसर होना है 3x3। रो से कॉलम को 2 1 2, 3 0 3 0, 4 3 12। फिर इस रो से इस कॉलम को -6 +6 0, इससे इसको, फिर इससे इसको 5 2 10, 3 4 12, 4 5 20। इस बार इस रो से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो 3 1 3, 4 0 0, 5 3 12, 5 3 15। इस रो से सेकेंड वाला 3 3 -9, 4 2 8, 5 0 0। इस रो से इस कॉलम को 5 5 3 5 3 15, 4 4 16, 5 5 25। ठीक है, इस रो से इस कॉलम को 4 1 4 0, 6 3 18, 4 3 12, 10 0, 20 20 30, तो कितना होगा 14 18 22 0 -1 -2 42, 56 70, 40 50 56। सो मैट्रिक्स होगा, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा ये, जो कि 3x3 है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी के आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।